अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो क्वेश्चन टीचर से रह गया था, मैंने आपको कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करने लगी हूँ। जहाँ से हमारा रुका था, हम वहाँ से उसको स्टार्ट करेंगे। हमने एक वैल्यू तो फाइंड कर ली थी, अब दूसरी वैल्यू जो T12 फाइंड करनी है, वो किस तरह से फाइंड करनी है वो देख लेंगे हम। अब T12 फाइंड करने के लिए आपने दोबारा से इस एक्सप्रेशन पे आना है, ये वाला जो आपका ओरिजिनल हमने कंटा वेरिएंट फॉर्म बनाई उस एक्सप्रेशन पे आना है। देन आपने इसके अंदर, हमने पहले आई भी बन लिया, जे भी बन लिया, अब हम आई वन लेंगे, जे टू लेंगे। यहाँ पे आई वन पुट करेंगे और जे टू पुट करेंगे। तो ये मैंने एक एक्सप्रेशन निकाले, हम वहाँ से जाके देख लेते हैं, देन बाकी एक्सप्रेशन भी देखेंगे। आई वन लिया, जे टू लिया, ठीक है। अब ये T12 बन गया, ठीक है। अब TRS पार्शियल एक्स टिल्डा वन ओवर पार्शियल एक्स आर, और जे की वैल्यू यहाँ टू पुट कर दी। ओके, अब क्या करेंगे? अब हम डमी, जो जैसे हमने पीछे वाले में किया कि आर जो डमी था या एस जो डमी था, उसको वैल्यू देना स्टार्ट की। पहले मैंने आर को वैल्यू दी, जब मैंने आर को वैल्यू दी तो यहाँ पे मेरे पास पहले वन हो गया, वन हो गया और बाकी एज इट इज़। फिर मैंने इसी वाले फंक्शन में आर को टू वैल्यू दी तो टू एस हो गया, और यहाँ पे भी टू हो गया और बाकी एज इट इज़। अब क्या करेंगे? एस को वैल्यूज देंगे, वन और टू वैल्यू देंगे। तो जब आप एस को इस सिस्टम के अंदर इस वाले इक्वेशन में वन वैल्यू देंगे, पहले एस को वन देंगे, फिर इसी वाले के अंदर एस को टू देंगे, ये T1 हो गया वन, और यहाँ पे एस की जगह टू लिख दिया, और बाकी सारे यहाँ पे भी एस की जगह टू और इस वाले में एस की जगह वन। अब इस वाले के अंदर पहले एस को वन वैल्यू देंगे, T21 हो गया, और इस वाले के अंदर फिर एस को क्या वैल्यू देंगे, टू वैल्यू देंगे, और T22 हो गया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन थी, सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने देखे थे कैसे सॉल्व करने हैं, सारी वैल्यूज पुट की, 2x1 x2 आ गया, 2x1 का स्क्वायर आ गया, ये टर्म जीरो होगी, ये टर्म भी जीरो होगी। अब देखें, आपके पास पहली वैल्यू जो आती है वह आती है 2x1 x2 एंड 2x1 का स्क्वायर। तो यही चीज़ मेरे पास यहाँ आएंगे, 2x1 x2 और 2x1 का स्क्वायर। तो ये चीज़ हमने सॉल्व कर ली। अब T21 के लिए भी आपने यही मेथड लेना है। क्या करना है? मैंने जैसे यहाँ पे आई वन पुट किया और जे टू पुट किया, तो अब आप आई टू पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, जे वन पुट करें और इसको सॉल्व कर लें। फिर इसके अंदर पे आर को वैल्यू दें, फिर टू जे को वैल्यू दें, इसी तरह आपके पास लास्ट में चार इक्वेशंस बन के आएंगे, उनमें वैल्यूज पुट करेंगे और T21 का आंसर जो है वो आपके पास ये आ जाएगा, 2x1 x2 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर। तो अच्छे से करना है, इसी तरह से इस मेथड को देखें, इसको वैल्यूज पुट करें। आप जो लास्ट एक्सप्रेशन था वो था T22 का, मतलब यहाँ पे आई भी पुट टू पुट करना है और जे भी टू पुट करना है। तो इसमें पहले आपके पास ऐसे दो इक्वेशंस बनकर आएंगी, और फिर आपके पास ऐसे चार इक्वेशन बनेंगी। आपको अच्छे से समझ आया होगा, होप सो। तो आपने इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं भी लास्ट लेक्चर में ऐसे ही देखा नहीं था मैंने ध्यान से, तो मेरे से नहीं हो पाया। अब क्या था, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब उसने लास्ट में हमें कहा था कि कैलकुलेट करें वैल्यूज, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -2 है। तो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x1 पुट कर लेंगे, तो x1 इज 1 एंड x2 इज -2, तो T12 में पुट करेंगे, तो 1 और -2 पुट किया, और x1 का स्क्वायर की वैल्यू, x1 की वैल्यू 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर, तो -2 आंसर आ गया। T11 का आंसर हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन में आ गया था, 4x1 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास सारे पॉइंट्स इजीली आ जाएंगे। ये वैल्यूज फाइंड करना तो कोई मुश्किल काम नहीं, यही मुश्किल काम है, आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, शो करें, इसको ख़त्म कर लेते हैं जी। अच्छा, शो करें कि आपके पास अगर एस आई और टी आई जो हैं वो कंट्रा वेरिएंट वेक्टर्स हैं आर एन के पर। तो अब ध्यान से क्वेश्चन देखें, एस आई और टी आई कंट्रा वेरिएंट वेक्टर्स हैं, मतलब उसके पावर्स में आई लिखे हैं तो वो कंट्रा वेरिएंट हैं। अब उसकी जो मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स यू आई जे, वो उसको हम एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इन दिस सब मैनर फॉर ऑल कॉर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट अ कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। कहते हैं कि अगर ये दो अलहदा अलहदा टेंसर्स हैं और इनका रैंक वन वन और बन रहा है, तो अगर इनको एज अ मैट्रिक्स फॉर्म लिखें तो इन टेंसर्स का रैंक ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो वो किस तरह से होगा देख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले एस आई टी आई कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स हैं, एस आई कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स की फॉर्म लिखनी आती है हमें। आई यहाँ पे है तो यहाँ टिल्टेड सिस्टम आई वाला, और यहाँ वाला सेम एस आर और पार्शियल वाला सेम। सिमिलरली टी आई, ये टी आई या टी जे, टी जे आई थिंक सो, यहाँ पे ये टी जे है, हाँ जी टी जे, कोई मिस्टेक हुई है, टी जे है, तो यहाँ टिल्टेड सिस्टम एक्स जे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एस एस कंपोनेंट, यहाँ याद रखना है कि आपने कि आर और आर यू एस और एस सेम नहीं करना है, कुछ डिफरेंट करना है। अब हम क्या करेंगे, कहा था उसने कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारे पास उसका ऑर्डर का टेंसर का ऑर्डर 2 आना चाहिए। तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया एस आर
डीएस लिख दिया यहाँ पे, पार्शियल एक्स डेल्टा आई अवर पार्शियल एक्स आर एंड पार्शियल एक्स डेल्टा जे अवर पार्शियल एक्स एस लिख लिया। अब हमारे पास क्या गिवन था कि एस आई टी जे किसके इक्वल है, यू आई जे एक मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स की फॉर्म बनेगी वो यू आई जे बनने वाली है। आप देख लेते हैं किस तरह से बनेगी। देखें आपके पास यहाँ पे आर और एस पड़ा है एंड देन ये आपके पास फॉर्म बन सकती है आई और जे फॉर्म थी, तो हमने इसको को एक न्यू मैट्रिक्स का नेम दे दिया यू। तो एस ओ टी को एक न्यू मैट्रिक्स का नेम दे दिया यू, यू कह सकते हैं। तो हम इस एस टी को भी तो क्या किस क्या कह सकते हैं, इस एस टी फॉर्म को भी हम क्या कह सकते हैं, यू कह सकते हैं। तो ये यू आर एस बन गया। ओके देन पार्शियल एक्सटेंडेड सिस्टम आई ओवर आर एंड पार्शियल एक्सटेंडेड सिस्टम जे ओवर एस, यू आई जे इज़ अ कंट्रा वेरियंट टेंसर ऑफ रैंक टू। इतना ही है आपका क्वेश्चन, के मजीद भी है इतना ही है। अब हमने बताना था कि आप हमारे पास जो न्यू सिस्टम बनेगा उसका रैंक भी 2 होगा। तो रैंक देखें मेरे पास जो न्यू सिस्टम बना इस पे यहाँ पे हमारे पास टोटली रैंक नहीं एक्सप्लेन हो रहा, आर और एस सेपरेट लिखे हैं। फिर जब हमने इसको यू फॉर्मूले में लिख दिया तो यहाँ पे इसकी पावर में 2 आ रहा है, तो इस आर्डर इस मैट्रिक टेंसर का रैंक भी 2 हो गया। तो हमने यही चीज़ प्रूव कर दी थी कि यू आई जे एक टेंसर ऑफ रैंक 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आई जे भी एक कंट्रा वेरियंट टेंसर ऑफ ऑर्डर सॉरी को वेरियंट ऑर्डर ऑफ टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 कंपोनेंट फाइंड करने हैं एक्स आई सिस्टम टिल्टेड सिस्टम में। टी वन वन गिवन है, टी वन टू टी टू वन जीरो है, टी टू टू गिवन है। देन एक्स आई सिस्टम में हम लेके जाना है एक्स वन टिल्टेड सारी वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट कंसिडर हमने वैल्यूज ले ली हैं, एक्स वन टिल्टेड की वैल्यू एक्स वन का स्क्वेयर एंड एक्स टिल्टेड टू इज दिस। अब हम इस साइड इसके दोनों साइड पर स्क्वेयर रूट ले सकते हैं, ले गए तो एक्स टिल्टेड वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स टिल्टेड वन के ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा और उसकी वैल्यू एक्स वन आ जाएगी क्योंकि स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी हमने ये वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको मैंने लास्ट वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लें। अगर आप मजीद यहाँ से देखना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स टू इधर ही रखा है, एक्स वन इधर आके इस साइड पर आके डिवाइड हो गया। देन एक्स टिल्टेड टू इधर ही, एक्स वन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, टिल्टेड एक्स वन आई है, तो ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने जो ट्रांसफॉर्मेशन कही है वो ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। टी आई जे को वेरियंट वैक्टर है, आई पहले हम वन वन लेंगे, फिर हम आई वन टू लेंगे, आई टू वन लेंगे एंड देन आई जे टू टू लेंगे, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा। हम पहले सबसे पहले आई वन वन ले लेते हैं, आई जे वन वन, टी आर एस एज इट इज, पार्शियल एक्स आर, आई यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे आई की जगह वन, यहाँ पे जे की जगह वन पुट करेंगे। फिर हम एस को डमी वैल्यूज या आर को जो डमी है किसी एक को वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे, ऐसे आपके पास लास्ट पे 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। पहले आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, मेरी वीडियो छोड़ के बेशक आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जाएँ अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो। सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स ले लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने के बाद हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। टी वन वन की सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, पार्शियल डेरिवेटिव लिए हुए हैं यहाँ पे। पार्शियल एक्स वन अवर एक्स, आप देखें एक्स वन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टिल्टेड एक्स वन, तो एक्स वन का डेरिवेटिव लेना है। देखें आपके पास एक्स वन, अब हम हमारे पास तो टिल्टेड सिस्टम में एक्स वन और एक्स टू गिवन थे, लेकिन हम उसको टिल्टेड से नॉन टिल्टेड में लेकर आए हैं, वैल्यूज उनकी दो आ गई हैं। अब हमने इस एक्स वन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टिल्टेड एक्स वन, तो अब इसके टिल्टेड एक्स वन की वैल्यू क्या बन गया, एक्स टिल्टेड वन की पावर में वन ओवर टू। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे वन ओवर टू, स्टार्टिंग में टिल्टेड एक्स वन एज इट इज़ वन ओवर टू माइनस वन हो जाएगा और आपके पास वन ओवर टू एक्स की टिल्टेड एक्स की पावर में माइनस वन ओवर टू और माइनस वन ओवर टू डिनोमिनेटर में जाकर प्लस वन ओवर टू हो जाएगा और वो वन ओवर टू टिल्टेड एक्स वन आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे आई है। देन आप एक्स टू का डेरिवेटिव ले लें, एक्स सारे डेरिवेटिव्स ले लें, वैल्यूज पुट करें, ईजिली हो जाएगा। अगर कोई आपको मिसिंग पॉइंट होता है तो आप मुझे मेल कर लें, इससे बेहतर है कि आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लें, मैं वहाँ पे आपको वॉइस मैसेज चेक के थ्रू भी समझा सकती हूँ। ठीक है, आपको इंस्टा का लिंक नीचे मिल जाएगा, लर्न टू प्ले लर्न टू नोट 12 यूज़र नेम है, आप वहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास उसी तरह से सेम मैनर में आंसर आ जाएगा। आप सारे टेंसर्स तो हमने पढ़ लिए, इसके अलावा हमारे पास आर्बिट्रेरी टेंसर्स भी होते हैं, ऐसे टेंसर्स जिनका रैंक 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मिक्स्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं वो। तो ये वाले टेंसर्स की फॉर्म हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ आती, मैं बार बार कह रही हूँ, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लें, थ्रू मेल कॉन्टेक्ट कर लें, मैं मेल पे मैसेज ही लिख सकती हूँ वहाँ पे, तो या फिर आप मुझे वॉइस मैसेज कर लें इंस्टा पे, तो मैं आपको इंस्टा पे रिप्लाई दे दूँगी। एंड अभी तक के लिए इतना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।